हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे कि हमें सेक्शन 52 के अंदर क्या दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 52 के अंदर हमें ये समझाया गया है कि जो एक व्यक्ति की करेक्टर होते हैं, जो एक व्यक्ति का करेक्टर होता है, क्या वह सिविल सूट्स के अंदर एडमिसिबल होता है या नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, फिर हम इसके अंदर एग्जाम्पल्स और केस स्टडी से समझेंगे कि होता है या नहीं होता, और किस तरीके से अगर होता है तो किस तरीके से होता है, और अगर नहीं होता तो किस तरीके से नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है सेक्शन 52, इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इंप्यूटेड इररिलेवेंट, कि भाई जो सिविल केसेस होते हैं वहां पे अगर किसी के कंडक्ट, मतलब उसके किसी व्यक्ति के ऊपर कंडक्ट इंप्यूट किया जाता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है कोई चीज करने का या ना करने का, तो वहां पे अगर उस व्यक्ति के कंडक्ट को लेके आया जाए तो वो कंडक्ट क्या होता है, इररिलेवेंट बन जाता है। हेडिंग से हमें ये बात समझ आ जाती है। अब देखिए, जो एक तरीके से जब हम किसी का करेक्टर देखते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं जिनका करेक्टर देखा जाता है कोर्ट में, या तो जो पार्टी होती है उसका खुद का करेक्टर देखा जाता है, या फिर जिसको अगर ऐसा किसी को विटनेस लेके आ जाता है तो उसका करेक्टर देखा जाता है। तो विटनेस का करेक्टर तो हर जगह रेलिवेंट होता ही होता है, वहां पे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको तो हटा दीजिए। यहां पे हम पार्टी की बात कर रहे हैं कि पार्टी जो खुद है उसका करेक्टर रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। तो सिविल सूट्स के अंदर जो पार्टी होती है उनका करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन दी हुई है। तो पहले सेक्शन को रीड करते हैं, क्या बोलता है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल ऑफ एनी कंडक्ट, कि भाई क्या इस व्यक्ति ने चीज की थी या ये चीज नहीं की थी, ये कंडक्ट किया था या नहीं किया था, उस वजह से जो उसका करेक्टर है वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है, उसके करेक्टर से उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सेप्ट इन सो फार एज सच ए करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, लेकिन अगर वो जो करेक्टर है वो खुद ही रेलिवेंट बन जाता है, खुद ही फैक्ट इन इशू आ जाता है उसके अंदर, तो फिर वो रेलिवेंट बन जाता है, फिर हमें उसकी प्रूफ करने की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल से समझे, सबसे पहले ये करेक्टर का मतलब क्या होता है, करेक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्वालिटीज देखते हैं जो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से अलग कर देती है, जैसे कि ये व्यक्ति जो है बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, या ये व्यक्ति जो है सबसे लड़ता रहता है, तो इसका ये क्या बता रहा है हमें, इसका करेक्टर बता रहा है कि लड़ने वाला व्यक्ति है, ये शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है, या फिर हमें जैसे पता चलता है कि पहले से इसने बहुत सारे, इसके ऊपर 354 जो है सेक्शन पहले से बहुत सारे लगे हुए हैं, पहले भी बहुत सारी लड़कियां छेड़ता था ये, तो इससे हमें पता चलता है कि ये इसी तरीके का इसका करेक्टर ही ऐसा है, यही काम करता है, वो तो जैसे क्रिमिनल आ गया, तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से हमें करेक्टर इस तरीके से पता चलता है। तो इसके अंदर रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूड हो जाती है, वो सेक्शन 55 हम समझेंगे, तो उसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखा है कि करेक्टर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, करेक्टर तो हमें पता चल गया, अब एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से सिविल केस के अंदर जो एक पार्टी का करेक्टर होता है वो इनएडमिसिबल होता है। मान लीजिए कि ए बी के ऊपर एक सूट करता है, और वो सूट के अंदर ये बोलता है कि जो बी है ना वो मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेके बैठ गया, वो मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेके बैठ गया और ये प्रॉपर्टी उससे खाली करवाई जाए, ये सिविल नेचर का सूट हो गया। लेकिन ए यहां पे क्या बोलता है कि बी जो है ना उसका जो काम है वो पहले भी इतनी प्रॉपर्टियों पे घुस के बैठा हुआ है, वो ट्रेसपासर है एक तरीके का, उसकी ये हैबिचुअल आदत है ट्रेसपासिंग करने की। तो यहां पे ये जो इस तरीके की जो वो बात बोल रहा है कि इसका करेक्टर ही ऐसा है कि ये लोगों की प्रॉपर्टी पे घुस के बैठता है, ये अपने आप में इनएडमिसिबल है, क्योंकि यहां पे हम उसके करेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और अगर सिविल नेचर का सूट है और वहां पे वो करेक्टर जो है वो उसका इश्यू में नहीं है, तो फिर उसके करेक्टर को हम एज ए एविडेंस के तौर पर एडमिट नहीं करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि जैसे कि एक इस तरीके का सूट डाला गया कि ए ने उस क्वालिटी के प्रोडक्ट मेरे को नहीं दिए, जैसे मैं बोलता हूं कि ए ने मेरे को उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दिए जो उसने मेरे को सैंपल में दिखाए थे, तो यहां पे मैं उसके ऊपर सिविल सूट डालता हूं कंपनसेशन के लिए कि भाई ये मेरे को उस तरीके के गुड्स नहीं दे रहा। तो अब ये सूट तो मैंने डाल दिया, अब बाद में मैं यहां पे इस तरीके के एविडेंस लेके आता हूं कि भाई ये जो ए है इसका करेक्टर ही ऐसा है, ये किसी को भी इस तरीके के गुड्स नहीं देता, ये सैंपल में कुछ और दिखाता है और असलियत में कुछ और दे देता है, तो ये जो है ये अपने आप में इनएडमिसिबल हो जाएगा। आप उसको प्रूफ कीजिए कि इसने आपको सैंपल वाली चीज नहीं दी और इसके वजह से आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, आपको लॉस हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए बाकियों को भी ऐसे ही कर रहा है, ये पिछले जो इसके कंडक्ट है ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही करता है, इस वजह से इसका करेक्टर ही खराब है इसका, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी, वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। अब यहां पे केस था अब्दुल शकूर वर्सेस कोतवाल शेवर AIR 1958 का।
इस केस के अंदर क्या हुआ था कि ना कुछ सर्टेन प्रोनोट्स दिए गए थे उसके द्वारा, और वो जो प्रोनोट्स है ना उस वक्त दिए गए जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट था, और वो उस वक्त ले लिए गए जब वो ड्रिंक, मतलब उसने जब ड्रिंक कर रखी थी, मतलब कोई चीज पी रखी थी उसने, वो क्या चीज थी वो यहां मेंशन नहीं कर रखी। तो जो यहां पे अब उसको प्रूव ये बोला जाए कि भाई उसका करेक्टर खराब है इसलिए उसने ऐसा किया, तो यहां पे वो इनएडमिसिबल बन जाएगा, ये इस केस के अंदर बोला गया। ऐसी एक और केस है एल जगन्नाथ वर्सेस रामचंद्र AIR 1952। इसके अंदर एक स्टेटमेंट दी गई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने बोला कि इन सिविल केसेस द एविडेंस ऑफ करेक्टर इज जनरली इनएडमिसिबल। तो जनरली बता रहे कि जनरली जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंदर जो एविडेंस का करेक्टर होता है वो इनएडमिसिबल होता है, उसको नहीं माना जाता। लेकिन अनलेस द करेक्टर इज ऑफ सब्सटांस इन इशू, जब तक कि जो करेक्टर है वो सब्सटांस इन इशू ना बन जाए तब तक हमें करेक्टर से मतलब नहीं है, मतलब पर्टिकुलर केसेस के अंदर ही किसी व्यक्ति के करेक्टर को देखा जाता है, अदरवाइज जनरली जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंदर एक व्यक्ति के करेक्टर को नहीं देखा जाता। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि दो व्यक्ति होते हैं जिनके करेक्टर के ऊपर सवाल उठता है, या तो विटनेस होता है या फिर पार्टी होती है, तो यहां पे हम पार्टी की बात कर रहे हैं जो पर्सन कंसर्न्ड है। अब देखिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जिसके अंदर जो जो करेक्टर होता है वो इशू के अंदर आ जाता है, जैसे कि लाइबल का केस होता है वहां पे इशू में आ जाता है, तो मतलब एक तरह से फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है तो वहां पे होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ए ने बी के ऊपर सूट किया, ए ने क्या किया बी के ऊपर सूट किया, किस चीज के लिए सूट किया, ए ने बोला कि जो इलेक्शन हुए थे ना उसके अंदर बी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बना था, प्रेसिडेंट जो था वो मैं बना था, लेकिन जो बी है वो गलत तरीके से उसने ये पोजीशन जो है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो लेके बैठ गया है, तो ये जो बी है ये इस जगह मतलब ये प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं है, ये गलत प्रेसिडेंट है। अब यहां पे सूट होता है, सूट चलता है कोर्ट में, हेयरिंग होती है। अब बी क्या करता है, बी ना ऐसा करता है कि वो कोर्ट के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके आता है या फिर ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जिससे कि ये प्रोड्यूस हो, ये चीज प्रूव होती है कि ए जो है ना वो ऐसा व्यक्ति है जो एक तरीके से फॉर्जरी करता है चीजों की। उसके पास से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके अंदर उसने छेड़छाड़ कर रखी होती है, मतलब गवर्नमेंट के ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसके अंदर उसने अपने हाथों से करेक्शन कर रखी होती है, उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके अंदर उसने फॉर्जरी कर रखी होती है, चेंजेस कर रखे होते हैं। तो यहाँ पे बी एक तरीके से ये प्रूफ करता है कि जो ए है, ए जो है उसका करेक्टर खराब है, वो गलत करेक्टर का है, उसका वो काम ही यही है कि वो दूसरों के डॉक्यूमेंट्स खराब करता है और वो इस तरीके के काम करता है। तो यहां पे ये जो एविडेंस दिया गया उसके करेक्टर को खराब प्रूफ करने के लिए, ये क्या हो जाएगा एडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे उसका जो करेक्टर था वो क्या आ गया इशू के अंदर आ गया, ए का करेक्टर जो था वो इशू के अंदर आ गया। तो इसलिए यहां पे जो इस तरीके के एविडेंस दिए जाएंगे जिससे कि ए के करेक्टर को गलत प्रूफ किया जाएगा वो रेलेवेंट बन जाएगा। ऐसे ही किसी किसी वुमेन के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन अराइज होता है जहां पे उसकी चेस्टी के ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं चेस्टिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वहां पे भी ये रेलेवेंट बन जाता है। तो इस तरीके से जो जनरल रूल देखा जाए तो जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंदर किसी व्यक्ति का जो करेक्टर होता है वो इनएडमिसिबल होता है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस के अंदर जहां पे वो करेक्टर ही इशू के अंदर आ जाए, जहां पे वो करेक्टर ही इशू के अंदर आ जाए या फिर रेलिवेंट बन जाए, तो फिर हम उस करेक्टर के लिए एविडेंस दे सकते हैं और फिर वो एडमिसिबल बन जाएंगे। तो सेक्शन 52 के अंदर हमें इतना ही बता रखा है, इसके बाद जो आगे वाले सेक्शन है 53, 54, 55 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे जिसके अंदर क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसके अंदर बताया गया कि क्या वो रेलिवेंट होते, मतलब उनको एडमिट किया जाता है या नहीं किया जाता, रेलिवेंट होते हैं या नहीं होते किसी व्यक्ति के करेक्टर। और फिर सेक्शन 55 के अंदर हमें करेक्टर की डेफिनेशन दे रखी, करेक्टर को समझाया है कि करेक्टर होता क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।